क्या करने वाली हो द वीडियो इंस्टाग्राम न्यू ट्रेंड चार गाड़ी सैसी पूनम सोफिया अंसारी ब्यूटी खान बाय बाबा जी की बूटी 2.0। सो बिफोर आई स्टार्ट हेलो एंड आई एम मोनाली नायक वेलकम टू माय चैनल रखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो, वीडियो के लास्ट में गिव अवे है सो प्लीज बने रहिए। मैं तुम्हें 5 seconds दे रही, 5 seconds, इट्स सो स्मॉल पर 5 seconds दे रही, 5 seconds में अपना टैलेंट दिखा, वो क्या होगा? दांत नहीं दिखाओ, टैलेंट दिखाओ। टैलेंट होगा तब दिखाएंगी ना, इनका तो अपना अलग ही गुली गुली चलता रहता है। हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं। नहीं, ऐसे टैलेंट का फायदा क्या जब खुद से ही बताना पड़ रहा है। हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं। ये लोग बेचारे बता बता के थक जाते हैं लेकिन कोई मानता ही नहीं है। हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं। So, और क्या चल रहा है भाई लोग? कैसे चल रहे हो? तो चलता रहेगा, बढ़ते हैं आगे। ओके। और आज आप लोगों के लिए हैशटैग इतना भयंकर वाला टैलेंट लेके आया हूँ ना, जिसको देखने के बाद टैलेंट भी टैं बोल जाएगा। तो आओ टैलेंट के टी को उल्टा करते हैं और बता देंगे तना तेरे दोस्त तेरे पितर चार गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र। वाह वाह, दीदी के पास चार गाड़ी है लेकिन उसके बावजूद भाड़े पे साइकिल लेके वीडियो बना रही है। पितर चार गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र। बदमाश तो वो पीछे वाला लग रहा है, देख लो कैसे नामू 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 खा रहा है। और चार गाड़ी को चार गाड़ी कहने वाली यही एक बुद्धिजीवी नहीं है, अभी और भी है, देखो जरा। बता देंगे तना तेरे दोस्त तेरे पितर चार गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र। क्यूटी ब्यूटी पार्लर जी, पता है जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ ना, इनका वीडियो अलग से बैठा रहता है, ऐसे करके बोलता है सुनो मेरे को भी ले लो चल। तर चार गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र। और चार गाड़ी पता है इनके पास कौन सी है? वो हुई हुई करके जो बच्चे चलाते हैं ना, वही वाली है। और दांत देख रहे हो भाई साहब, इतनी जोर से दबाया है कि उसमें अगर गेहूं रख दो तो आटा निकल जाए, और कहां से निकलेगा वो मत पूछना। अरे दादा, और ये चार गाड़ी मत करो क्योंकि गाड़ी लेने के लिए पैसे कमाने पड़ते। किसी का एहसान नहीं है हम पर, जितनी भी पहचान है खुद के दम पर है। पहचान किसके दम पे वो तो सबको पता है। हम लोग बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, हमको सब पता चल जाती है। अब देखो ये एक नया ट्रेंड आया था डांस करने वाला, लेकिन ये टिकटॉक ये जब तक ट्रेंड को टट्टी नहीं बना देते ना तब तक मानते ही नहीं है। नहीं मतलब एक अलग से ही छाप छोड़ देते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा टिकटॉकर का नाम बर्बाद रहेगा। ये वाला वीडियो देखो, लेट के वीडियो बनाओ और पेल के लाइक पाओ। और एक तो इनकी आंखों में जो रिंग लाइट दिखती है ना, वो बेटे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। शाहरुख खान ने इन लोगों के लिए एक अलग सा डायलॉग बनाया है कि तेरे आंखों की ये रिंग लाइटियां, तेरे चेहरे पे बिखरे हुए 50-50 फिल्टरियां नहीं देखूंगा जब तक है जान। अब यार देखो, वैसे तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ट्रेंड आते हैं और बहुत सारे जाते हैं, लेकिन कुछ ट्रेंड होते हैं जो दिमाग खा जाते हैं, जैसे कि ये वाला। सच्ची बता रहा हूँ भाई, बस करो यार, दिमाग में ऐसे घूमता रहता है बचपन का प्यार। नहीं चलो बचपन का प्यार तो ठीक है, लेकिन देवी जी आप इतना खिलखिला क्यों रही हैं? खिल 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 और देख रहो वीडियो बनाने के बहाने ये लोग सबको चप्पल दिखा रहे हैं। अम्मा ए अम्मा सारे मिलके हमको पागल बना। और भाई अगर आपको बचपन के प्यार से छुटकारा पाना है ना तो ऐसा मेकअप कर लो। Marque esa tierra.
मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा मेकअप करने के बाद आपके बचपन का प्यार आपको पहचान ही नहीं पाएगा, और अगर पहचान भी लिया ना तो भी बोलेगा मैं नहीं जानते इनको, मुझे नहीं पता ये कौन है। अब देखो, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा था तभी मुझे एक पुराने ऐसे सुपरस्टार मिल गए जो कि इस धरती के सबसे सुंदर मनुष्य हैं। हाय एटीट्यूड बॉय शुभम, लगता है ये आज आंखियों से गोली मार ही देगा। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल, देखो आंखियों से गोली मारे टिचड़ो। तो आओ इन भाई साहब का एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद पता करते हैं कि ये कहां से गोली मारते हैं। भाई कुछ हमारे दोस्त हैं जो 4-5 गर्लफ्रेंड रख के भी बोलते हैं प्यार अंधा होता है। भाई उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, प्यार अंधा नहीं होता है, तूने किया ही अंधाधुन है। वाह, पुराने दिन याद आ गए। ये जो शायरी बोलने के बाद मुंह ऐसा करता ना, मैं उसका बड़ा फैन हूँ। नहीं ऐसे ही नहीं, उसके कई सारे फायदे हैं। जैसे कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई साहब मार्केट किधर है, तो ऐसे खड़े हो जाओ और ऐसे कर दो, वो समझ जाएगा कि इस साइड मार्केट है। भाई भारत के इतिहास के अनुसार बड़ा भाई पिता के समान होता है और सच्चा दोस्त पुत्र के समान। एक बार पता है इसने शायरी बोलने के बाद ऐसे किया, उसके बाद इसका ऊंट यहाँ चला गया, उसके बाद 4 जेसीबी लगी है, भाई साहब धक्का दे दे के वापस लाए अपनी जगह पे ऊंट। यार गर्लफ्रेंड के साथ बात करने का मजा ही कुछ और है, चाहे वो किसी और का ही क्यों ना हो। दूसरे की ही क्यों ना हो, खुद की तो होगी नहीं, ऐसे ऐसे चोंच मारता रहता होगा दिन भर, गधे के बच्चे। और भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इसके ऊपर 4 साल पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन किसी ने देखा नहीं। उस टाइम 27-28 व्यूज आते थे बस। तो यार जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि अमेज़न पर सेल चल रही है और डिस्काउंट के साथ कैशबैक भी मिल जाए तब तो शॉपिंग बनती है ना। और मैंने अपने YouTube फैमिली के लिए गिव अवे भी रखा है, आप में से किसी 5 लकी विनर्स को 200 रुपए का अमेज़न गिफ्ट कार्ड मिलेगा। तो करना कुछ नहीं है, बस साइन अप करो और कैश करो, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करो या फिर प्ले स्टोर या एप स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। बस साइन अप करते टाइम मेरा कोड डाल देना बाबा25, जैसे कोड डालोगे ना आप तुरंत 25 रुपए बोनस कमाओगे और साथ में गिव अवे में भी शामिल हो जाओगे भाई। तो भाई ऐश करो, कैश करो। तो यार बस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, ऐसे तो नहीं जान दूंगा। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मन कर तो फॉलो करें। चलो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो देख देख हंसे जाए, मेरी वीडियो देख देख हंसे जाए, बैठे 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 स्वाद ले रहा है। ओके, क्यूटी ब्यूटी पार्लर कैसे नाम रख दिया, और वैसे भी उसने भी ऐसे यूजर नेम कैसे रखा, क्यूटी ब्यूटी जो भी है आगे का, मुझे समझ में नहीं आया इस नाम का मतलब। और स्माइल वाला मुझे याद आएगा, मैंने कैरी मिनाटी के एक वीडियो पे रिएक्ट किया, मुझे लग रहा है क्या गलत तो नहीं ना, मैं कैरी मिनाटी ने ही रोस्ट किया ना उनको, मुझे जितना याद आ रहा है वो शायरी मार के, गर्लफ्रेंड दूसरे की क्यों ना हो, 5 गर्लफ्रेंड आंदा दून पे, पर करते क्यों 5 गर्लफ्रेंड, इतने सारे साइड अफेयर, दूसरों की गर्लफ्रेंड के साथ लफड़ा, मतलब क्या लड़के लोगों को क्या मजा आता है ये सब करने में, मुझे समझ में नहीं आता, मतलब इट्स नॉट गुड। एटलीस्ट टेल सामने वालों को कि बाबा मेरे और भी 4-5 है करके, ठीक है, सब कोई आंदा दून नहीं कर सकते ऐसे। ओके एनीवेज, बीच में ज्ञान है ना विच नो वन लाइक्स एक्चुअली। तो कुछ ट्रेंड, जैसे कि बचपन का प्यार, अभी सुनने में भी ऐसे लग रहा है नहीं नहीं, क्यों बहुत बार ऐसे हो जाता है कि जो देखो गाना हिट होने के लिए इंस्टाग्राम रील्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो सही बात है, बट है ना एक टाइम के बाद इरिटेट होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, गाना वो वाला भी बहुत अच्छा था, यार मेरा तितलिया वर का, और उसको सुन सुन के पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, पता नहीं जी, बाद में वो ऐसा इरिटेट होने लगा कि वो गाना लगे भी तो हम उसको स्किप कर दे। इवन ब्राउन मुंडे वाज समथिंग जो कंटिन्यू लग रहा था, बट वो मुझे अभी भी पसंद है बाय द वे ब्राउन मुंडे, बट पानी पानी हो गई वो, क्योंकि मुझे पानी पानी गाना आया इस बार पता भी नहीं था बादशाह का एक्चुअली, एंड मुझे पता चला किसके थ्रू, तो रील्स के थ्रू। तो ये जरूर सही बात है कि वहां से कोई भी गाना हिट होना ज्यादा इजी हो जाता है, बट फिर भी माय गॉड जैसे कि अभी वो चल रहा है मेरी परम 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 सुंदरी, वो चल रहा है अभी फिलहाल, तो उधर से वो हिट हो गया। अब मैं और क्या बात करूं,
सोफिया अंसारी, सैसी पूनम तो होनी ही चाहिए। इंस्टाग्राम रील्स की बात करनी हो तो उनके रील्स तो होने ही चाहिए। वो टिकटॉक वाली दिशा दी जो छोड़ के जाते कुछ ना कुछ करके जाते, देवा 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 देवा। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो इंस्टाग्राम न्यू ट्रेंड बाय बाबा जी की बूटी। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत मी आलेच हा।